हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कि आप बचे हुए चावल से कैसे लेमन राइस बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी होता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटे हुए हरे मिर्च, थोड़ा सा चना दाल, थोड़े कड़ी पत्ता, थोड़ा रोस्ट किया हुआ मूँगफली, नमक स्वाद अनुसार, 1 कटा हुआ टमाटर, हल्दी, 1 लेमन जूस, 1 बोल चावल, राई, लाल मिर्च, धनिया पत्ता और तेल। अब मैं इन सारे इंग्रेडिएंट को साइड में रखते हुए गैस को ऑन करूंगी और कढ़ाई में तेल डालूंगी। गर्म होने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ राई, जिसे हम मस्टर्ड सीड कहते हैं। मस्टर्ड सीड के चटकने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी लाल मिर्च। लाल मिर्च को थोड़ा सा गर्म हो जाए या फिर उसमें से एक स्मेल आने लगे तो उसमें मैं ऐड कर रही हूँ अपना दाल, जो कि चना दाल है। इसको मैंने 5 मिनट पहले ही गर्म पानी में भिगो कर रखा था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरे मिर्च, जो कि मैंने लंबे लंबे कट कर लिए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से कड़ी लीव्स, जो कि हमारे लेमन राइस को बहुत ही अच्छी खुशबू देता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा अपना रोस्ट किया हुआ मूंगफली। ये ऑलरेडी रोस्ट किया हुआ है तो इसको ज्यादा रोस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट ये है कि इसको हम अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा हल्दी, फिर मैंने डाला है चॉप किया हुआ टमाटर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबके साथ। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी चावल। चावल आप अभी भी बना करके इसमें डाल सकते हो, या फिर आपका कल का बचा हुआ चावल हो या दिन का बचा हुआ चावल हो, आप रात में यूज कर सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी होता है गाइस, इसको प्लीज ट्राई करना घर पर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और लेमन जूस, जो कि मेन है हमारे लेमन राइस में। अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक इवन कलर आना चाहिए हमारे चावल को। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने चावल के साथ मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर आया है। इसको तब तक मिक्स करें जब तक कि चावल के सारे दाने एक इवन कलर में ना हो जाएं। अब मैं इसको ढक करके 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। 2 मिनट बाद मैंने पैन हटाया और इसको अच्छे से चलाया। अब मैं इसको एक बोल में निकाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा करके मैं सारे चावल को एक बोल में ट्रांसफर कर रही हूँ। बोल में ट्रांसफर करने के बाद मैं इस पे थोड़ा सा धनिया पत्ता डालूंगी और करी लीव्स के साथ गार्निश करूंगी। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये कितना इजी होता है लेमन राइस बनाना। आप इसको घर पर प्लीज जरूर ट्राई करो और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप देख सकते हैं कि इसका लुक कितना प्यारा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। मैं जनरली जब भी डिनर होता है, हमारे यहाँ पार्टी होती है, तो मैं लेमन राइस जरूर रखती हूँ। ये देखने में भी बहुत प्यारा लगता है और खाने में उतना ही टेस्टी होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, बाय बाय।